वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा आरआरबी एलपी ग्रुप डी। क्विज है ये 15 क्वेश्चन का, ये क्लास फिफ्थ है, जिसमें मैं सुधाकर चौरसिया विद कैमरामैन सिद्धांत चौरसिया के साथ आज आप लोगों के साथ जीके जीएस के क्वेश्चन 15 जो बहुत इम्पोर्टेंट है पूछे गए। सो गाइज प्लीज वीडियो को पूरा देखें, ये 15 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और मेरा चैनल है सक्सेस मंत्रा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, गंगटोक किसकी राजधानी है? गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है, मेघालय शिलांग होते, इसका ऑप्शन तो मैं पहले आपको बता दूं, गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला होती है, बिहार का पटना होता है, मेघालय का शिलांग होते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, जब आप गाजर खाते हो तो आप कौन सा भाग खाते हैं? जब हम गाजर खाते हैं तो उसका कौन सा भाग खाते हैं गाइस? जड़ खाते हैं, हम लोग जड़ खाते हैं, ठीक। ये तना, फल, पत्ती, ये सब रॉन्ग आंसर है। ओके, हुक, थर्ड क्वेश्चन है, हुक शब्द किस खेल से संबंधित है? हुक शब्द जो है हमारा क्रिकेट से संबंधित है। भैया उसी में घुसेड़ मत दो, थोड़ा ऊपर रखो। हुक शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, भारत सरकार ने भीम ऐप कब लॉन्च किया था? भारत सरकार ने भीम ऐप 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया है। ओके, हम कनपुरिया कुछ अलग ही होते हैं भाई। वायुमंडल के दबाव को नापने हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? वायुमंडल का दबाव नापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? बैरोमीटर का। ओके, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से रतौंधी होती है, रतौंधी, नॉट स्कर्वी, नॉट जुकाम, नॉट श्वास की बीमारी। ओके, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में राजकोट में 2 अक्टूबर, ओके, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में? कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको 1955 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला तथा 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया। लास्ट क्वेश्चन है, राइनोप्लास्टी, लास्ट नहीं गाइस, राइनोप्लास्टी शरीर किस भाग से संबंधित है? राइनोप्लास्टी जो है हमारे शरीर के नाक से संबंधित है। किससे? नाक से। इसका ये मध्य प्रदेश है, इसका 1869 है। ओके, नेक्स्ट, मलेरिया का कीटाणु क्या होता है? मलेरिया का कीटाणु इसमें दिया नहीं है, डी ऑप्शन होगा, वैसे होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ। ओके, मलेरिया का कीटाणु क्या होता है? जब आप टमाटर खाते हो तो उसका कौन सा भाग खाते हैं? जब हम टमाटर खाते हैं तो उसका फल खाते हैं, बताओ, इतना घटिया क्वेश्चन पूछते हैं सब। त्रिमूर्ति किससे संबंधित है? त्रिमूर्ति हमारा एलिफेंटा की गुफाओं से संबंधित है। इसमें शंकर भगवान जी का बहुत ही आकर्षण रूप को दिखाया गया है, जिसमें 23-24 फीट उनकी अपार प्रतिमा बनी हुई है। त्रिमूर्ति किससे संबंधित है? तो ये एलिफेंटा की गुफाओं में त्रिमूर्ति, शंकर भगवान जी की बहुत भव्य मंदिर है। हरित क्रांति किससे बड़े उत्पादन? हरित क्रांति जो है हमारी गेहूं से संबंधित है। ओके गाइस, पूछ रहा है स्टेनलेस स्टील किसका संमिश्रण? तो स्टेनलेस स्टील जो है लोहा और क्रोमियम। लोहा का होता है Fe26, क्रोमियम का होता है Cr24। ओके, पूछ रहा है अग्निशामक में कौन सा गैस प्रयोग की जाती है? तो अग्निशामक में हम लोग कार्बन, CO2, क्या CO2 इसका प्रयोग करते हैं, सी ऑप्शन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके ब्रो।